मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के 7:15 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, नोनी को भी रेडी कर दिया है। और आज का दिन है बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हम सब के लिए, क्योंकि आज है नोनी का मुंडन। ब्लॉग का टाइटल आपने देख ही लिया है, जा रहे हैं आज नोनी का मुंडन करवाने घर। तो एक्चुअली ना सारी चीज़ें इतनी अचानक अचानक हुई, आप सबका बहुत कमेंट आ रहे थे कि घर आए हो तो नोनी का मुंडन करवा लेना। तो हमने भी बहुत टाइम से प्लान किया था, कराएंगे मुंडन, कराएंगे अच्छे से, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी। लेकिन मुंडन का मुहूर्त जो है, हमने प्लान किया था कि मुंडन जो है शादी के, मतलब भाई की शादी के बाद करवाएंगे, क्योंकि शादी से ठीक पहले नोनी टकलू हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा ना फोटोज़ वोटोज़ खींचने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि मुहूर्त ही नहीं निकला उसके बाद का कोई, और हमारा बैड लक ये रहा कि मिस्टर रावत नहीं आ पा रहे हैं नोनी के मुंडन में। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, हम उनको बहुत मिस करेंगे क्योंकि ना नोनी का फर्स्ट बर्थडे भी उन्होंने मिस किया था, आपने देखा था, और अब वो मुंडन भी मिस कर रहे हैं। एनीवेज़ ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो होती नहीं है, इंसान जो भी सोचता है कभी होता नहीं है। लेकिन हम बहुत खुश हैं कि नोनी का मुंडन होने जा रहा है फाइनली आज, तो बस घर पर ही करेंगे। पंडित जी को बुलवाया था सुबह 9 बजे के आसपास, पंडित जी आने वाले हैं, तो मम्मी को कॉल आ गया था आ जाना सुबह, तो वही उस दिन की तरह अप्पी के साथ जाएंगे जैसे आरू का मुंडन हुआ था। एक्चुअली आरू और नोनी का मुंडन एक साथ नहीं कर सकते थे, पंडित जी ने ये भी बोला था, तो इसलिए नोनी का आज करना पड़ रहा है। और मैं तो सोच रही थी शादी के बाद ही करेंगे, लेकिन शादी के बाद का हो नहीं पाया, तो फिर आज ही हम जाएंगे करवा के ले आएंगे और दोपहर तक आ जाएंगे। नोनी को नहला दिया है, और ये कुर्ता और धोती ना स्पेशली नोनी के मुंडन के लिए ही मंगवाया था मैंने, आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन नोनी के मुंडन के लिए था ये। अभी स्वेटर इसलिए पहनाया है क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड लगेगी, इसके बाल गीले हैं और हवा बहुत चलती है स्कूटी में, वहाँ जाके वो तो उतार ही दूँगी। तो बस सारी तैयारियाँ, छोटी छोटी तैयारियाँ करने को मैंने बोला था, मैंने बलून भी ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो बलून कल अपी के हाथों भिजवा दिए थे घर। मैंने बोला था थोड़ा बहुत डेकोरेशन जितना आपसे हो पाएगा मम्मी लोग से वो कर लेना, और बाकी तो पता नहीं, बाकी पूजा की तैयारी सुबह ही होंगी सारी, तो इसलिए टाइम से जाना है, टाइम से जाएंगे, थोड़ी बहुत तैयारी देख लेंगे और पूजा की तैयारी करेंगे। हम लोग तो नहा के रेडी हो गए। नोनी आज कौन टकलू होगा? नोनी। कौन काटेगा आपके बाल? दादू। ये पैसे किसने लिए? नानू। पैसे किसने लिए? नानू ने। ओके चलो आओ, शूज तो पहनेंगे, चलो आओ, चलो आओ। पी दीदी आने वाली है, बुला रही है आपको, कार्तिक स्कूटी लेकर जाएगा यहाँ से हम तक, तब अपी के घर चलते हैं। आओ इधर। नोनी फाइनली आज हो जाएगा टकलू, इसके मुंडन का हम कब से वेट कर रहे थे, क्योंकि ना यहाँ तो उतनी गर्मी नहीं है, इंदौर में इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी, तो इतनी गर्मी में लंबे बालों के साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बस हमें भी कब से इसके मुंडन का ही वेट था। बस नोनी के पापा नहीं आ पाए, इस चीज़ का थोड़ा सा हुआ है, लेकिन नोनी का मुंडन हो जाएगा, इस चीज़ की बहुत खुशी है। बस ये है कि सडनली वर्क करना पड़ रहा सब, अचानक अचानक जल्दी जल्दी में, टाइम होता तो हम सब कुछ अच्छे से करते, तैयारी करते, मैं भी इधर ही हूँ, नहीं तो बलून वलून खुद ही लगाती मैं। मैंने तो इसी हिसाब से प्लान करके रखा था, बलून भी ऑनलाइन मंगवाए थे ताकि मैं कुछ मतलब अपने हिसाब से तैयारी करके रखूँ। तो इसके बाद हम अपी के घर आ गए थे, और यहाँ पे सुबह सुबह अपी के घर पे इतनी सुंदर बर्ड आई थी ना, तो एक्चुअली इसको चोट लग गई थी, शायद किसी बर्ड दूसरी चिड़िया से लड़ाई हुई होगी, इसकी चोंच भी टूट गई थी, घायल हो गई थी, तो बेचारी उड़ नहीं पा रही थी, तो भैया ने इसको पानी दे दिया और खाने पीने की चीज़ दे रहे थे, तो काफ़ी देर यहाँ पे वो रही, उसके बाद तो चली गई थी शायद। लेकिन ये देखने में इतनी सुंदर थी ना, इसको मन कर रहा था देखते रहो, और ये बर्ड आज तक हमने पहले कभी देखी ही नहीं। इधर होता है ना कभी कभी आ जाती है अचानक से उड़ते उड़ते, तो बहुत सुंदर लग रही थी, तो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आ रही होगी। नोनी भी बहुत खुश हो गया था इसे देख के। तो बस 5 मिनट हम यहाँ पे रुके, उसके बाद फिर निकलने का टाइम हो गया था हमारा। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही थी ना, और स्कूटी में जाने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है, एकदम हवा चल रही थी तेज़ तेज़। देखा काव को भी भाई को, यहाँ भगवान जी का मंदिर है। जय भगवान जी। बोलो मैं बाल कटी कटी करके आला हूँ, आला हूँ मुंडन करके आला हूँ। नोनी के मुंडन का हमने कितना प्लान किया था, एक बार हमने प्लान किया था उज्जैन में करेंगे, हाँ फिर उज्जैन में हमें कुछ पता नहीं था, तो हम लोग बस दर्शन करके आ गए, और फिर फाइनली हमने सोचा भाई की शादी के बाद करेंगे, फिर भी मुहूर्त ही नहीं निकला। नोनी के पापा बड़ा मिस करेंगे, हम भी उनको मिस कर रहे हैं। नोनी बहुत मिस कर रहा है पापा को ना,
तो बस घर के लिए निकलने से पहले मैंने यहाँ पे जो हमारी लोकल मार्केट है वहाँ से मिठाई ले ली घर के लिए, क्योंकि मुंडन में फिर पूजा में भी चाहिए होती है और आस पड़ोस में बांटने के लिए भी मैंने ले लिया था। तो यहाँ की मिठाई काफ़ी टेस्टी होती है और एकदम फ्रेश मिलती है। नोनी को हमने बीच में बिठा दिया था स्कूटी में और फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए। करीबन 15-20 मिनट्स में हम लोग घर पहुँच गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, वैसे उतना ट्रैफिक नहीं रहता है लेकिन स्कूल बसेस बहुत ज़्यादा चलती हैं सुबह के टाइम पर, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। 7:45 बजने वाले हैं हम लोग, बस अपने घर की गली में ही पहुंचने वाले हैं। अभी चली गई कोचिंग नानी, इसको धोती पहना के गलती कर दी, रास्ते में बहुत हवा चल रही थी और धोती में मतलब ऐसा होता है ना, कपड़ा पूरा ऊपर ही मुड़ जाता है रास्ते में, बहुत ठंडा लगा मुझे। तो नानी आ गया है दादू के घर और यहाँ पर हमारी आरू से मिली। आप हाय आरू, आरू हाय करो। देखो आरू का मुंडन किया था, इसके हल्के हल्के बाल आ गए हैं। अब दूसरा टकलू तैयार हो गया है, यहाँ पे होने वाला है। तो बलून भी यहाँ पे लगने वाले हैं, कुछ कुछ बलून फुलाए हैं और कुछ कुछ की तैयारी भी चल रही है। मेरे बाल कैसे हो गए, बाल गीले थे और ऐसे बात क्या आ गई। दादू अभी आ रहे हैं। और नोनी की ड्रेस से मैच करते हुए बलून की थीम मैंने यहाँ पे रखी हुई थी और मैंने सोचा था कि हम लोग खुद अपने हाथों से अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, तो काफ़ी सारे बलून्स मंगवाए थे। तो मम्मी पापा से जितना हो सका थोड़े बहुत उन्होंने लगाए, बाकी सब वैसे ही रख दिए थे। फिलहाल यहाँ पे हल्का फुल्का डेकोरेशन किया। सबसे पहले आके मैंने चाय बनाई सबके लिए और नोनी आरू के कुछ कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ना नोनी लंबे बालों में फिर इसके बाद ऐसा तो हो नहीं पाएगा ना, तो इसलिए लास्ट लुक आप लोग भी एक बार देख लीजिए। और कुर्ते में तो और भी ज़्यादा जच रहा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी था घर पे आके। वो दादू के घर पे आके मतलब बहुत खुश होता है, और ख़ासकर आरू से मिलके। आरू भी अपने नानू के घर गई थी, वहाँ शादी थी तो वो भी एक दिन पहले ही घर आई थी। तो सब लोग अपने अपने काम कर रहे थे, पापा थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रहे थे, मम्मी पूजा की तैयारी कर रही थी और हम लोग जो है खाने पीने की तैयारी कर रहे हैं भाभी और मैं मिलके। यहाँ पे सबसे पहले चावल की खीर चढ़ा दी थी मैंने, आटा गूंथ लिया था पूरी के लिए और मम्मी ने डुबके बनाने के लिए यहाँ पे सूजी सोख करके रख ली थी। मीनवाइल नोनी और आरू मस्ती भी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा शैतानी भी कर रहे थे, तो कोई एक तो इनके साथ चाहिए ही होता है, इनको हम अकेले नहीं छोड़ सकते। तो फिर इसके बाद बारी आती है खाना बनाने की। वैसे पंडित जी ने ना 9 बजे के आसपास का टाइम दिया था, लेकिन होता ही है थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाता है, तो हमने उसी हिसाब से तैयारी करके रखी थी। तो सबसे पहले मैं पूरियां बेलूंगी, उसके बाद फिर मम्मी डुबके बनाएगी, तो डुबके और सेल मम्मी बनाएगी, पूरियां फिर मैं बना लूँगी। इस बीच मतलब साथ साथ पूजा की तैयारी भी चली रही थी और जो बाकी काम है वो भी चल ही रहे थे साथ ही साथ। साढ़े 10 बज गए, पंडित जी अभी आ रहे हैं, उन्होंने 9 बजे बोला था और थोड़ा सा लेट हो गए। तो यहाँ पे ना उनके लिए मैं चाय बनाती हूँ, साथ ही साथ हमने खाना भी चढ़ा दिया, दाल बॉईल करने को रख दिया, सब्जी चढ़ा दी है भिंडी की, पूरियाँ बन चुकी हैं, थोड़ा सा आटा और है, मतलब जल्दी जल्दी में हम सब लोग ये कर रहे हैं काम और बच्चे भी रेडी हैं, पंडित जी आ गए ऊपर मंदिर वाले रूम में। तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी और मेरी ये हल्दी वाली साड़ी थी, ये मैं एक्चुअली मायके ले गई थी, तो वहाँ से फिर बैग में अपने साथ लेके आई, फटाफट तैयार हुई और नोनी और मैं एकदम मैचिंग येलो ड्रेस, येलो थीम रखी हुई थी मैंने आज के दिन के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे पूजा में मम्मी और पापा बैठे थे, क्योंकि मिस्टर राउत घर पे नहीं थे इस वजह से मैं अकेले नहीं बैठ सकती थी। तो मम्मी पापा सबसे पहले पूजा में बैठेंगे, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारी चीज़ें पूरी करेंगे, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मिस्टर राउत को मैंने यहाँ पे बहुत मिस किया, क्योंकि वो घर पे होते तो हम दोनों साथ में बैठ के पूजा करते और नोनी का फिर मुंडन करवाते अच्छे से। एनीवेज यहाँ पे दादू दादी ने नोनी का मुंडन के जो भी रिचुअल्स हैं वो सारे उन्होंने ही कंप्लीट किए। नमस्कार का यावद राम कथानु की तावत शुभ जय दम हमें शुभ जय नक्षता कांतु बाबा के आयाम गुरु और यहाँ पे मिस्टर राउत को हमने वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर लिया था, तो वो भी सारी चीज़ें देख रहे थे और
उनको भी थोड़ा सा फील तो हो रहा होगा, लेकिन वो भी खुश थे क्योंकि नानी का मुंडन हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे और डिले होता जा रहा था, और फिर लंबे बालों में बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है और ख़ासकर समर्स में। अरे आरु क्या हुआ? तो सबसे पहले हम ना हल्दी लगाएंगे, हल्दी लगती है और उसके बाद फिर मुंडन स्टार्ट होगा। तो मम्मी यहाँ पे जो एक घर की हल्दी है ये पीस के रखी हुई थी, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाते हैं और फिर लगाते हैं पैरों में, हाथों में, फेस पे और बालों में। तो मम्मी, मैं और भाभी और सबसे लास्ट में हमारी जो कन्या है छोटी सी, वो हम सब लोग मिलके नोनी को हल्दी लगाएंगे, उसके बाद फिर मुंडन का जो रिचुअल है वो आगे कंप्लीट करेंगे। आओ आपकी बारी आ गई भैया के बाल रखेंगे। आओ खाली पकड़ो, दोनों हाथों से आ, चलो ली गुरु। पर हमारे वहाँ भी रिवाज होता है कि जब बच्चे के मुंडन होता है और जिस प्लेट में उसके बाल रखते हैं वो थाली जो है उसकी बहन छोड़ती है, तो बस ये रिचुअल आरू से ही कंप्लीट करवाना था। तो आरू को भी गोद में बिठा लिया दादू ने, दोनों बच्चे दादू की गोद में बैठे हैं, बड़ा क्यूरियस होके देख रहे थे। नोनी का वैसे मुझे पता था नहीं रोएगा क्योंकि उसने आरू का मुंडन देखा हुआ है और उसे सारी चीज़ें समझ में आ रही थी, और मैंने भी पहले बताया हुआ था बेटा आज आपके बाल कटने वाले हैं, तो ही वॉज़ लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो काफ़ी अच्छे से उसने अपने बाल कटवा लिए थे। तो पहले के कुछ बाल पंडित जी काट लेते हैं और उसके बाद फिर आप चाहे किसी को बुला लो या फिर खुद ही मुंडन कर लो, सारे बाल अच्छे से क्लीन कर लो। तो पिछली बार पापा ने जब आरू का मुंडन किया था तब भी काफ़ी अच्छे से किया था, और इस बार नोनी का भी उन्होंने खुद ही काफ़ी अच्छे से किया था, और नोनी इतना आराम से रिलैक्स होकर बैठा था, उसको मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी मतलब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो आराम से बैठा हुआ था। और उसको ना बाल कटवाते कटवाते बीच में नींद भी आने लगी थी क्योंकि दो दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह भी जल्दी उठा के ले आई थी मैं, लेकिन उसने काफ़ी इन्जॉय किया अपना मुंडन। और करते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनके साथ टैकल करना मुश्किल होता है, लेकिन थैंकफुली उन्होंने ने इतना बिल्कुल भी नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं किया, वो बहुत आराम से एकदम शांति से बैठा हुआ था।
गया है। नानी इधर देखो, चलो आरती करो। आप तो बस सारी सेरेमनी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। बस फाइनल प्रोसेस ये होती है कि मुंडन करने के बाद सब लोग आरती करते हैं और बच्चे के सर पे स्वास्तिक बना दिया, नोनी के स्वास्तिक के सर पे स्वास्तिक, और उसके बाद सब लोग उसको तिलक कर लेंगे। आ गया नोनी के मुंडन का केक। खाएगा कौन? खाएगा आलू? कौन खाएगा नोनी? दोनों टकले कैसे अटैक करने के लिए मेरी तो मुंडन की खुशी में मैंने नोनी के लिए 2 दिन पहले ही केक ऑर्डर करके रख लिया था। तो भैया मार्केट जाके केक भी ले आए थे थोड़ी देर पहले ही, तो फटाफट से अब हम केक कट करेंगे। हैप्पी मुंडन नोनी, हैप्पी मुंडन नोनी, हैप्पी हैप्पी मुंडन नोनी, टकलू होने की बधाई। लो लो क्लैप क्लैप क्लैप। हैप्पी मुंडन, हैप्पी मुंडन, अभी आप भी बनाओ। तो बस केक कट किया, उसके बाद बढ़िया सा लंच करके सारे काम निपटा के हम निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि टाइम से घर पहुंचना भी था और नोनी के साथ हम ज़्यादा देर इधर उधर नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा थक भी गया था। अभी भी आ गई थी कोचिंग से, उसने भी हमारे साथ लंच किया और फिर हम तीनों साथ ही घर वापस आ गए। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं। नोनी का मुंडन बहुत अच्छे से हुआ और आज का वेदर भी इतना अच्छा हो रहा है ना, धूप नहीं थी बिल्कुल भी, हल्के से बादल और उतनी गर्मी नहीं थी, तो आ गए हम लोग आराम से। नोनी तो स्कूटी में सो गया था, अभी उठ गया, एकदम एक्टिव हो गया, बाहर नानी लोग के साथ खेल रहा है और मेरे मामा मामी आए हैं मिलने के लिए, छोटे वाले जो देहरादून रहते हैं, तो उनके साथ में ही बाहर खैर। तो मैं अभी सबके लिए बना रही हूँ चाय, फिर मम्मी को ना मार्केट भी जाना है, पूजा का सामान लेके आना है और बस तैयारियाँ फुल ऑन चल रही हैं, मतलब सारी चीज़ें 90% तैयारियाँ तो हो ही चुकी हैं, 10% छोटा मोटा सामान, छोटी मोटी तैयारी वो रह गई है। और काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गए उन्होंने, एक तो कल हम गाँव गए थे, लास्ट ब्लॉग में हमने देखा था गाँव गए थे, शाम को ही आए, फिर रेस्ट नहीं मिल पाया, उन्होंने भी सो नहीं पाया और फिर सुबह सुबह भी जल्दी उठ के चले गए, तो नींद पूरी नहीं हुई ना मेरी ना नोनी की, अब शाम को ही सोएंगे। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, नोनी इतना ज़्यादा रोया अभी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आई कांट एक्सप्लेन कि नोनी इतना रोया, उसको टैकल करना इतना मुश्किल हो गया था। नोनी गिरना मत, अभी मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है, किसकी स्कूटी में बैठा है, नोनी गिरोगे ना, अभी स्कूटी में बैठा है और नोनी के गॉगल्स, न्यू लुक, आपको कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करना। इसको मैंने कैप पहना दिया क्योंकि यहाँ पे सुबह शाम हवा चलती है। नानी जो है अभी उधर बड़ी नानी के साथ है, ताई जी के साथ है, और नानी इतना रोया इतना रोया, आधे घंटे तक मैं उसको संभालते ही रह गई, क्योंकि ना मम्मी जो है मम्मी मामी और मामा मार्केट की तरफ गए, मम्मी को पूजा से रिलेटेड सामान लेना है और नानी के साथ जाना है, इस वजह से वो रोया इतना ज़्यादा। पापा चले गए हैं वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, उनका डेली शाम का रूटीन है, चाय वाय पी के सब चले गए। घर में चल रही है लाइटिंग, वो भैया जो है अभी आए हैं लाइटिंग लगाने के लिए, बाकी ये सब पोल वोल तो पहले ही लग चुके थे, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, तैयारी चल रही है, लाइट्स लग रही हैं, अभी रात को दिखाऊंगी, बाकी पूरा अच्छा लुक तो रात को ही आएगा। अभी ताई जी के घर में लगा रहे हैं लाइटिंग, हमारे घर में लग चुकी है ऊपर, जब रात को लाइट्स ऑन होंगी ना उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी अभी चल रही है लाइटिंग, नोनी वहाँ पे खेल रहा है, उसको मैं कैप पहना रही हूँ, वो पहन ही नहीं रहा है। बस आज मैं बहुत खुश हूँ, नोनी का मुंडन हो गया अच्छे से, तो वैसे तो हमने बहुत कुछ सोचा था, बड़ी पार्टी करेंगे, बड़ा फंक्शन करेंगे, और ये कुर्ता भी मुंडन के लिए ही मैंने मंगाया था, तो बस हो नहीं पाता है ना, जब भी हम कुछ सोचते हैं कुछ हो नहीं पाता है। पहले हमने उज्जैन का सोचा था, उज्जैन में भी नहीं हो पाया, फिर हमने सोचा शादी के बाद करेंगे क्योंकि शादी में नोनी की फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, वो भी नहीं हो पाया, और एक्चुअली 10 तारीख का मुहूर्त निकल रहा था, 10 मई का, मैं आपको बताती हूँ, 10 मई को है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया के दिन काट सकते हैं, पंडित जी ने बोला, उसके बाद का कोई मुहूर्त नहीं है, तो अक्षय तृतीया के दिन है शुक्रवार, और हमारे वहाँ क्या होता है
जिस डे को आप बॉर्न होते हो ना, क्या कहते हैं उसको, जन्मवार, जो आपका जन्मवार होता है, नोनी शुक्रवार के दिन पैदा हुआ था तो उस दिन बाल नहीं काट सकते। तो बस उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था तो इसी वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा, नहीं तो हमने 10 तारीख की पूरी तैयारी करके रख ली थी। और फिर हमने पंडित जी से बोला तो उन्होंने कहा नहीं काट सकते हो, तो उससे पहले ही उन्होंने डेट निकाल दी। उन्होंने कहा यही मुहूर्त है 28, 29 और 1 मई का, तो फिर हमने आज का ही सूटेबल समझा और करवा दिया। बस ऊपर वाले ने जो लिखा होता है ना वही होना होता है, उसकी मर्ज़ी से ही चलता है, हम तो बस कुछ नहीं कर सकते उसके आगे। बाकी हमें खुश रहना चाहिए हर एक सिचुएशन में। बस मुंडन का ये हो रहा था कि हो जाए कैसे भी हो जाए, और हो गया फाइनली। अब नोनी को बहुत हल्का फील होगा, और हमारे यहाँ कहते हैं मुंडन होने के बाद बच्चे अच्छे से बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती है और उनका बिहेव भी चेंज होता है और थोड़ी मैच्योरिटी आती है कहते हैं, टचवुड अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। तो बस आप लोग भी विशेष देना नोनी को बहुत सारी। एक चीज़ की कमी रह गई, मिस्टर राउत को हमने बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन पूरा वीडियो कॉल के थ्रू हमने उनसे एक एक मोमेंट शेयर किया आज, तो उन लोग उनको उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ होगा आज। तो चलिए मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, कुछ काम निपटा लूँ। अंदर बहुत ज़्यादा सामान फैला पड़ा हुआ है, केक बहुत टेस्टी हो रहा था। मैंने डिज़ाइन जो है ना दूसरा दिया था, अच्छा वाला एकदम, उसमें कॉम वॉम बेबी बनवाया था, लेकिन उन्होंने बनाया नहीं ऐसे ही पता नहीं क्यों। तो केक वैसे टेस्ट वाइज बहुत ऑसम था, एकदम फ्रेश बना हुआ था और बहुत ही टेस्टी, मज़ा आ गया। घर के लिए भी मैं एक मिठाई का डब्बा लेके आई हूँ, यहाँ आसपास में पड़ोस में सबको मिठाई बांट देंगे जो भी रिलेटिव्स हैं हमारे। तो मेरी ताई जी यहाँ पे खेतों में काम कर रही थी, उनका भी लेसन वगैरह हुआ था तो वो खेतों से निकाल रही थी, नोनी उनके साथ चला गया। ताई जी के साथ भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है और खेलता रहता है, तो फिलहाल वो ताई जी के साथ में था। और यहाँ पे डेकोरेशन भी चल ही रहा है, भैया डेकोरेशन कर रहे थे घर पे, और कोई भी नहीं था एक्चुअली, मम्मी पापा भी नहीं थे और ताई जी और मैं ही थे घर पे। तो हम लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे, नोनी को भी देख रहे थे और डेकोरेशन भी देख रहे थे। फिर करीबन आधे एक घंटे बाद मम्मी भी आ गई थी और साथ में बच्चे भी आ गए थे। बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी बहुत टाइम के बाद, और सीज़न का हमारा पहला कटहल है। तो बस मैंने कर रही थी यहाँ पे डिनर की तैयारी, सब्ज़ी वगैरह बना रही थी, और इस बीच मैंने बच्चों को दे दिया था यहाँ पे अपना मोबाइल, ताकि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो बना लें जितना भी डेकोरेशन हुआ है। और कितना प्यारा लगता है ना शादी वाला घर जब डेकोरेशन हो जाता है, उसमें लाइटिंग लग जाती है, घर में गेस्ट आने लगते हैं, फैमिली मेम्बर्स मिलने लगते हैं एक दूसरे से, सब लोग आते हैं घर पर, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी धीरे धीरे सारे फैमिली मेम्बर्स भी आने लगेंगे, तो आगे के वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी डेकोरेशन हो ही गई थी, और नोनी बहुत खुश रहता है, खासकर पड़ोस के बच्चे आते हैं खेलने के लिए उनके साथ। क्या हुआ नोनी, लाइट जल गई? अब हम आपको लाइट्स दिखाएंगे। वाह, सो नाइस, अब लग रहा है शादी का घर फुल रेडी। इधर साइड वाली लाइट नहीं जल रही है ना मम्मी, एक साइड। हाँ अभी टेस्ट चल रहा है। वाव नानी, क्या बोला, दिवाली, मामू शादी। तो चलिए इसी के साथ आज का सरप्राइज वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा नोनी को मुंडन की अपनी काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स देना, और साथ ही शादी की डेकोरेशन वगैरह आपको तैयारियां कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही आगे के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए ज़रूर वेट करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।